नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूंगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। फाइनली मेरे को बहुत खुशी हो रही है, हमारी बाइक का पूरा काम हो चुका है। मिशलिन पाले स्ट्रीट रेडियर ये डला रहा हूँ मैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। फिलहाल जल्दी तैयार हो चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे तैयार होके। अभी बज रहे हैं 9 और आज हम जा रहे हैं दोबारा से बजाज शोरूम। तो आपने पिछला व्लॉग हमारा देखा होगा, तो हम अपनी लाइट का काम करा रहे थे बाइक का। तो मैंने उस दिन मैंने अपनी बाइक में कुछ चेंज देखा था कि मतलब मेरा एलएलवी जो है वो डैमेज हो गया था। तो मैंने बजाज से बात करी कि यार मेरा एलएलवी चेंज हो सकता है, तो वो बोल रहे थे कि यार जो हमारे जितना हमारे हाथ में होगा हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम एलएलवी मंगा लेते हैं आपका। तो हमारा एलएलवी आ चुका है अब शोरूम में, तो उन्होंने कहा जल्दी आ जाओ और लगा लो। तो चलते हैं सीधे अब। और आज एक और बात, तो आज हम जाने वाले हैं टायर चेंज कराने के लिए भी, तो बहुत सारी राइड आने वाली है मस्त तरीके से। और मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूंगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और थोड़ी बहुत प्लानिंग होने वाली है और हम एक दो जगह जाने वाले हैं मस्त जगह, तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। और चलते हैं सीधे अब, थोड़ी बहुत आपसे बाइक में बात करते हैं। बाइक में जो काम था टायर चेंज होना और चेंज पॉकेट चेंज होना, तो आज फाइनली मेरी गाड़ी का चेंज पॉकेट चेंज होगा। मैं बहुत साफ खुश हूँ कि आज चेंज नहीं जाएगा करके। बट यार ना एक दिक्कत है, टायर नहीं मिल रहे हैं और टायर वाला बोल रहा है कि अब आपको यही वाले जो उसके पास रखे हुए हैं टायर सारे, तो वो कह रहा है कि उनमें से ही आपको टायर यूज़ करने पड़ेंगे और टायर का इंपोर्ट ही बंद हो गया पूरा, किसी के पास टायर नहीं है। और मैंने पता किया है किसी के पास भी एक टायर का सेट नहीं है भाई, पता है आपको? सब लोग अपोलो लेके बैठे हुए हैं, बट मेरे को डलाना है मिशलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल। अब पीछे तो मैं वही डलाऊंगा मिशलिन, लेकिन वो मिल रहा है बहुत पुराना मतलब 2018 कितना हॉर्न बजा रहा है। पहले स्ट्रीट रेडियल मेरे को मिल रहा है 2018 का। अब वो डलाना सही है या नहीं है अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ चल रहे हैं काफ़ी यार, अब बहुत टाइम बाद ना फुल स्लिप से निकलाऊँ ना। तो मेरी बाइक में भी दिक्कत आ रही थी यार, मेरा मतलब ना चेंज पॉकेट इतना आवाज़ कर रहा है ना, इतना आवाज़ कर रहा है कि अनोइंग हो गया पूरा, बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहा है। खर खर करके ना बहुत आवाज़ आ रही है मेरी बाइक में, और मेरे को ना इतनी सी आवाज़ अपनी बाइक में पसंद नहीं है। तो मिलता हूँ आपको शॉप में। तो फाइनली मैं शॉप में आ गया हूँ टायर की, तो टायर्स मेरे को डलाए थे, तो मैंने दो चार टायर देख लिए हैं तो जो मेरे को पसंद आया है। एक टायर है मैजलर M5 है और मिशलिन पाले स्ट्रीट रेडियल, ये डला रहा हूँ मैं रियर, और ये फ्रंट है। तो टायर तो कहीं अवेलेबल है ही नहीं, आखिरी शॉप है जहाँ मेरे को टायर मिला है और कहीं भी टायर नहीं है, मतलब पूरे हल्द्वानी में नहीं है टायर। तो गाड़ी भी दिखाता हूँ, गाड़ी भी खड़ी है मेरी, गाड़ी यहाँ आ गई। चेंज पॉकेट भी पूरा मेरा ख़राब हो चुका है, चेंज पॉकेट भी चेंज होना है मेरा, चेंज पॉकेट चेंज होगा और चेंज स्लाइडर भी है यहाँ पे, चेंज स्लाइडर भी चेंज जाएगा। टायर भी पूरा घिस चुका है, देखिए पूरा गायब हो चुका है टायर भी। ये स्विंग आर्म है हमारा, स्विंग आर्म निकल रहा है वहाँ से, बोल्ट होता है ये बड़ा सा बोल्ट निकलता है स्विंग आर्म, और नीचे हमारा टायर में वो लग रहा है, वॉल्व लग रही है। तो दो दो जगह देखना पड़ रहा है, नीचे भी जाना पड़ रहा है और ऊपर भी आना पड़ रहा है। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन उसमें मिलता है जब अपने आँखों के सामने काम कराऊँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सीधे दे दूँ गाड़ी और सीधे बस वो देखो टायर डल रहा है हमारा, यहाँ हमारा काम। तो ये हमारा नया टायर डल चुका है इसमें, फिलहाल काफ़ी खुश हूँ यार मैं। टायर ये हमारा पुराना टायर, गंजा टायर हमारा, ज़िंदगी में कभी नहीं लाऊंगा हमारे मिशलिन पायलट स्ट्रीट रेडियल गल रहा है। और ये हमारा मैजलर फ्रंट वाला। तो फाइनली टायर लग चुका है, पीछे का चेंज पॉकेट चेंज हो गया पूरा और टायर भी चेंज हो गया, अब आगे का टायर चेंज होगा। तो टायर खुल गया यहाँ पे और टायर खुल के यहाँ आ गया है अभी। ये भी काफ़ी अच्छा टायर है, बहुत जल है, ये हमारे फ्रंट में डल रहा है, बहुत टाइम लग गया है, सुबह से शाम हो गया, देखो बहुत थक गया हूँ, चलो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाई तो देख रहे हो गए आप मेरे को, मैं कहाँ कब 11-12 बजे गया हुआ था और
अभी कितना टाइम हो चुका है, करीबन अभी 7:49 हो गया। देखिए अभी 7:49 हो गया पूरा, और मैं 11-12 बजे तक गया हूँ। काफ़ी टाइम हो गया यार। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गाड़ी में टायर डल चुका है और काफ़ी सही लग रही है गाड़ी। तो मैं आपको एक बार रुक के दिखाता हूँ, यहाँ पर उजाला है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरी गाड़ी में टायर चेंज हो गया है। फाइनली मेरे को बहुत खुशी हो रही है, हमारी बाइक का पूरा काम हो चुका है टायर का। देखिए टायर डल चुका है और हमारा चेंज पॉकेट भी डल चुका है नया, गाड़ी वॉश भी करा दी थी। काफ़ी अब अच्छा लग रहा है मेरे को कि हमारी फाइनली अब जाके हमारी गाड़ी का काम हो चुका है। तो आई एम सो एक्साइटेड, गाड़ी चल रही है, मज़ा आ रहा है। अब काफ़ी सेफ फील कर रहा हूँ, पता है मैं टायर डला के। यार देखिए ट्रैफिक कितना हो गया यार, उनको एक्चुअल में गाड़ी को फील करना है यार, कैसी चल रही है मेरी गाड़ी। यार ट्रैफिक कितना हो गया ना, मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। और पता है इसकी पावर ही बढ़ चुकी है थोड़ी यार, वो जो टायर थी ना वो इसकी पावर झेल नहीं पा रहे थे, तो मैं और अच्छे से इसको फील कर पा रहा हूँ अपनी बाइक को। और मैंने एक और चीज़ फील करी अपनी बाइक में, पता नहीं क्यों मैंने टायर डलाया ना, टायर मेरे उसमें वो स्टॉप टायर आए, मतलब MRF मैं कभी नहीं डलाने वाला हूँ लाइफ में, MRF कभी नहीं डलाऊंगा लाइफ में। और बहुत बदनाम है अब डोमिनार टर्निंग रेडियस के लिए, तो टर्निंग रेडियस में मेरे को बहुत दिक्कत आती थी बाइक अगर कमर को यहाँ से वहाँ दूसरे रेस में डालनी है, तो जैसे इतनी भारी है और थोड़ी लेटा हो तो पूरी लेट ही जाती, गिर ही जाती पूरी गाड़ी, और मैंने गिराई है बहुत बार। तो मेरे को ये फील हुआ ना बाइक में, मैंने जब टायर डलाया, अभी मैंने मैजलर M5 डलाया और जैसे मैंने मिशलिन पायलट स्पीड रेडियस लाया, तो उससे क्या लग रहा है ना मेरे को, मेरे ना जो जो टर्निंग रेडियस था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि मैं पहले मैं जो टर्न करता था तो उसमें ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ता था मेरे को। ये देखो हल्के से मेरी पूरी हो जा रही है गाड़ी, तो ये तो फ़ायदा हुआ है मेरे को कि मैंने टायर डलाने का। कब लग जा रही है समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाँ एनीवेज 11-12 बजे से गया हूँ मैं, और अभी 8 बजने वाला है, लिटरली 8 बज चुका है। देखिए और चलता हूँ सीधे घर यार, थक गया हूँ काफ़ी यार। फाइनली हम रात को आ चुके थे और मैं काफ़ी थक गया था, सुबह 11-12 बजे से निकले होते और 8 बजे रात को आया था, आपने देखा था। तो मैं खाना पीना खा के सो गया सीधे, और उसके बाद तो उसके बाद अभी उठ रहा मस्त करके व्लॉग भी एडिट कर लिया मैंने, और छोटा सा व्लॉग था मेरा। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हमारी न्यू राइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिया, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक राइड से स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।